एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का विशेष स्वागत है। देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के तहत जो रिक्वायरमेंट आया है, वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्वालिफिकेशन है, कब से कब तक उसके आवेदन होंगे और क्या क्या इसमें निर्देश दिए गए, सारी डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 इसका नाम दिया गया है, पर आपके आवेदन व चयन प्रक्रिया पूरा ही 2022 में होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम दिनांक यहाँ पे 9 फरवरी 2022 बताया है, और इसमें जो आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे वो 10 जनवरी 2022 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होंगे, जो कि रात्रि 12 बजे तक, दिनांक 9 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन आप इसके आवेदन कर सकते हो। और देखिए, जब भी आप इसका आवेदन कर रहे हो तो सावधानी पूर्वक इसका आवेदन करें, और इसमें यदि किसी प्रकार की त्रुटि होती है, आपके ऑनलाइन आवेदन करने में समस्या आती है या किसी को जानकारी गलत फील हो गई है, तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। इसका करेक्शन का जो दिनांक है वो 15 जनवरी 2022 से तो 11 फरवरी 2022 तक आप इसमें त्रुटि सुधार कर सकते हो। इसके बाद इसमें बताया गया है कि आप ऑनलाइन दिनांक जो करेक्शन का डेट है केवल उसी ही टाइम पर त्रुटि सुधार कर सकते हैं, इसके बाद आपका किसी प्रकार का त्रुटि सुधार मान्य नहीं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कौन कौन से पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कितना सैलरी उनको दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम पहले तो टोटल पद देख लेते हैं। देखिए, सहायक वन रक्षक यहाँ पर कुल 8 पद दिया गया है, अनारक्षित के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर कोई सा पद नहीं दिया गया। वन क्षेत्रपाल 40 टोटल पद है, जिसमें अनारक्षित के लिए 5 और अनुसूचित जाति के लिए 14 और अनुसूचित जनजाति के लिए 14 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पद दिए गए हैं। और परियोजना क्षेत्रपाल के लिए हम बात करें तो 15 कुल पद है, जिसमें से अनारक्षित के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 पद है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद दिया गया है। उसी के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पद का नाम सहायक वन रक्षक, इसमें विभाग का नाम मध्य प्रदेश शासन वन विभाग। अब इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर 56,100 से तो 1,77,500 तक दिए जाएंगे। और देखिए, यह स्थायी पोस्ट के लिए है। अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है, तो देखिए, अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्न विषयों में से कम एक के साथ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। अब इनमें से देखिए, आपका प्राकृतिक विज्ञान यानी कि भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र और गणित, सांख्यिकी, भू विज्ञान, कृषि पर्यावरण विज्ञान, वाणिकी, उद्यानिक, पशु चिकित्सा विज्ञान, वेटनरी साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, साइंस इंजीनियरिंग, कृषि रसायन, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में स्नातक उपाधि धारण करता हो, यानी कि इन सब्जेक्ट में से भी आपके पास कोई सा सब्जेक्ट होना ही चाहिए। और देखिए, आप बताया गया है कि परंतु विशुद्ध गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक की दशा में उसके हायर सेकेंडरी यानी कि मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा में निम्न विषयों में से एक विषय होना चाहिए, यानी जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र आपके पास 12th में होना चाहिए। अब इसके बाद हम अगली पोस्ट की बात करते हैं, वन्य क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल, यहाँ स्थायी पोस्ट के लिए। अब इसमें जो आपका वेतन है ये 36,200 से तो 1,14,800 तक दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास इसमें भी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। इसमें देख लेना है कि आपके पास इन सब्जेक्ट से लेकर रिलेटिव सब्जेक्ट के साथ आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसका आवेदन कर सकते हो। इसके बाद हम अगले पद की बात करते हैं, परियोजना क्षेत्रपाल। तो देखिए, यह भी स्थायी पद के लिए है और स्थायी पोस्ट है। वेतमान की यानी सैलरी की बात करें तो इसमें बताया गया कि 9,300 से लेकर तो 34,800 तक रहेंगे, प्लस इसमें 3600 रुपये अन्य भत्ते के रूप में रहेंगे। अब इसके साथ हम जो आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में वही आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री में आपके पास भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित, सांख्यिकी, वाणिज्यिक, कृषि, उद्यानिक, यांत्रिक, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट आपके पास, इनमें किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब इसके बाद हम उम्र की बात करें कि एज इनके लिए क्या क्या होना चाहिए, तो देखिए आयु सीमा यहाँ पर सहायक वन्य क्षेत्र संरक्षण है तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो
किंतु 40 वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि और जो दूसरी पोस्ट है वन्य क्षेत्रपाल, परियोजना क्षेत्रपाल है, तो 21 वर्ष की आयु होना चाहिए और 33 वर्ष से अधिक आपकी आयु नहीं होना चाहिए। और आयु की जो गणना होगी 1 जनवरी 2022 से होगी। इसके बाद हम शारीरिक मानदंड की बात करें तो देखिए यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों अलग अलग बताया गया है। कि ऊंचाई यानी हाइट की बात करें तो हाइट में देखिए अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पुरुष का यहाँ पर 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिलाओं की हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष में 152 सेंटीमीटर और महिलाओं का 145 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेना की परिधि आपको देख लेना है। और शारीरिक क्षमता परीक्षण यानी 4 घंटे पैदल चलना है, पुरुष को 25 किलोमीटर चलना है और महिलाओं को सहायक वन संरक्षण है तो 14 किलोमीटर चलना है तथा वन्य क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल है तो 16 किलोमीटर आपको 4 घंटे चलना है। और इसका मोर नोटिफिकेशन जानना है तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आवेदन करने से पहले आप इसका पूरा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लें। थैंक यू।